Good morning, students. Welcome to online class. We started all classes English grammar and this part of speech. Speech मतलब होता है बोलना, उसका एक भाग है the verb. Verb का मतलब होता है क्रिया. तो क्रिया के बारे में आज हम discuss करेंगे कि क्रिया किसको कहते हैं. जैसे आप हिंदी के व्याकरण में किसी भी चीज का करना, बोलना, सुनना, दौड़ना, खाना, नहाना, ये सारी चीजें क्रिया के अंतर्गत आती हैं जो डेली यूज करते हैं. ठीक, तो उसी को हम पढ़ाने जा रहे हैं, वर्ब. ठीक, चलते हैं. द वर्ब, डेफिनेशन यानी इसका अर्थ या परिभाषा क्या होता है. A verb is a word that denotes some post. Kinds of verbs. पहला है क्रिया के प्रकार. कितने प्रकार की होती हैं? फर्स्ट है incomplete verb. Incomplete का अर्थ होता है अपूर्ण क्रिया. जैसे to be, to have, seen. इससे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि क्या है, तो इसको कहते हैं अपूर्ण. ठीक, लेकिन कंप्लीट. सेकेंड आता है कंप्लीट वर्ब, मतलब पूर्ण क्रिया. पूर्ण मतलब उदाहरण टू गो, टू रन, टू मेक, टू गिव. हाँ, इसको देख के लगता है कि कुछ है. जैसे टू गो यानी जाना, रन यानी दौड़ना, मेक यानी बनाना और गिव यानी देना. ठीक, तो दैट इज ए कंप्लीट वर्ब. ओके, दैट्स नेक्स्ट. इंट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया. अकर्मक मतलब जो एक ही चाल से एक ही चीज को हम बार बार बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल टू रन यानी दौड़ने को कहेंगे तो सब दौड़ते ही जाएंगे. ठीक, टू गो, टू रीड, पढ़ते ही जाएंगे. एक्सेट्रा मतलब और भी बहुत सारे. ठीक, ईटीसी शॉर्ट फॉर्म होता है. ठीक, सेकेंड आता है ट्रांसिस्टिव वर्ब. ट्रांसिस्टिव मतलब सकर्मक. सकर्मक मतलब जो कुछ काम कुछ करने लायक हो. जैसे टू मेक. टू मेक मतलब बनाना. तो हम कुछ भी जैसे बनाते हैं, बनाने में बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं. ठीक, जैसे नोट्स बनाना, लिखना, खेलना, दौड़ना, जाना, आना, ये सारी चीजें. टू गिव, देना. टू प्ले, खेलना. ये सारी चीजें आती है सकर्मक क्रिया मींस ट्रांसिटिव वर्ब में. नेक्स्ट वन ऑक्सिलरी वर्ब मींस सहायक क्रिया. सहायक मतलब जैसे हम कहते हैं कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ. ठीक, तो आई के साथ क्या लगा? एम लगा. बट एम क्या है? कंप्लीट हो जाए. तो आई एम इज, आर, हैव, हैज, मे, डू, डज, ये सारी चीजें आती है सहायक क्रिया में. दैट मेन वर्ब. मेन वर्ब आता है मुख्य क्रिया यानी मुख्य भूमिका किसी की रहती है. गोइंग यानी जा रहा, गिवन देना, रिटर्न लिखना, रोट लिखा हुआ, ये सारी चीजें आती है मेन वर्ब में. तो ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब, that is important of verb. देखते हैं आगे हम verb यानी क्रिया के तीन form होते हैं. देखिए, three forms of some verb. वे verb जिनकी forms एक सी होती है. देखिए, present. present मतलब होता है वर्तमान. पास्ट, पास्ट मतलब जो निकल गया और पास्ट सिंपल. तो फर्स्ट जो शब्द है, शब्द को कहते हैं वर्ड, है ना. तो पहला वर्ड है बीईटी, बैट. फर्स्ट वर्ड आया है बीईटी, बैट. बैट मतलब होता है शर्त लगाना. अब पास्ट में आएगा बैट, सेकंड भी वही और थर्ड पार्टिसिपेट भी वही है.
डीआईजी बिट, बिट और बिट। फिर है ब्रॉडकास्ट प्रसारण, यानी तीनों फॉर्म प्रेजेंट पार्ट्स और पार्टिसिपल, तीनों फॉर्म जो कि वर्ड है आप देखिए एक जैसे, ठीक, ये एक जैसे फॉर्म हो गए, इनको आपको लिखना है, ठीक है ना, पढ़ना है, सुनना है और लिखना है। देखिए अब सेकंड टाइप आता है वे वर्ब जिनकी दो फॉर्म एक जैसी होती है, मीन्स दो फॉर्म प्रेजेंट पास्ट ये एक जैसी फॉर्म होगी और तीसरी फॉर्म अलग हो जाएगी, ठीक। तो एक शब्द आता है बीईएटी, बीट यानी पीटना, ठीक, तो पास्ट भी वही है और थर्ड फॉर्म अलग होगी। थर्ड फॉर्म आएगा BEATEN, बीटेन, ये हो गया। सेकेंड है बीकम, BECOME, बीकम, COME, बीकम का सेकेंड फॉर्म आता है बीकेएम, BECAME, शब्दों को सुनिए ध्यान से, बीकम और बीकेएम, ठीक, इसी प्रकार बैंड BEND band, second form आ जाएगा BEND band, next BIND bind, bind का आएगा bound, bleed का आएगा blood, breed का आएगा bread, breed brought, build built, burn burned and buy, buy का आता है यानी खरीदना है, buy यानी bought होगा, catch का पॉट होगा, ठीक। तो यहाँ पे दो फॉर्म एक जैसी है और एक अलग, ठीक है। आइए इसके और एग्जांपल है कि और भी शब्द हैं आप इनको देख लीजिए, क्लिंग कम, कम का आएगा कीम, फिर कम क्रीप, सी आर ई पी क्रीप, प्रेप और प्रेप, फिर डिग डग और डग, नेक्स्ट ग्रीन ग्रीन ग्रीम्ड एंड ग्रीम्ड, नेक्स्ट फीड फेड एंड फेड, फील फेल्ड एंड फेल्ड, फाइट फॉट फॉट, देन फाइंड फाउंड एंड फाउंड, ओके, फ्ली फ्लेड एंड फ्लेड, फ्लिंग फ्लंग एंड फ्लंग, गेट ये सब यूज होता है, गेट पाना, गॉट एंड गॉट, ग्राइंड ग्राउंड एंड ग्राउंड, देन हैंग हैंग हंग एंड हंग, ठीक है, हैव हैड एंड हैड, देन हियर हियर मतलब कॉमन वर्ड सुनना, हाँ हियर मतलब हियर एंड हियर, देन कीप कैप्ट एंड कैप्ट, देन लीड का लेड है लेड, इसी प्रकार लर्न लर्न भी इंपॉर्टेंट है, याद करना यानी लर्न एन स्पेलिंग एल ई ए आर एन टी आ जाएगा, ठीक। सो ये आपको देखना है और प्रैक्टिस करनी है, ओके। नेक्स्ट वन देखिए स्टूडेंट्स, इसी प्रकार और भी आपको शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, आप भी इनको बोलें, बोल के लिखें और प्रैक्टिस करें। इसी प्रकार ये लिस्ट भी है, शो शोड एंड शोन, सिंग सैंग संग। अब यहाँ तीनों जो है डिफरेंट हो गए, तीनों वर्ब, शो का एस एच ओ डब्ल्यू एस एच ओ डब्ल्यू ई डी शोड एंड एस एच ओ डब्ल्यू एन, ठीक, सिंग यानी गाना, सैंग और संग, इसी प्रकार सिंग सैंग संग, सी स्पोक और स्पोकन, थर्ड दैट इज द प्रेजेंट पास्ट एंड पार्ट्स पार्टिसिपल। फिर आगे आता है स्टील
stole and stolen, swear, soared and sworn, then swim, swam or swim. Take means lena, took or taken. ये यूजेबल वर्ड है, इसको भी आपको याद रखना है. ओके, आपसे पूछूंगी बाद में. नेक्स्ट होती है टो एंड टर्न, देन थ्रो टोन एंड फेक अंडर गो अंडर वन एंड अंडर वन. नेक्स्ट बियर बोर एंड बोन, नेक्स्ट वीप बो एंड बोन, नेक्स्ट विथड्रॉ विथड्रू एंड विथड्रॉ. सबसे इंपॉर्टेंट शब्द राइट जो हम लिखते हैं बोलते हैं, राइट यानी लिखना, रोट डब्ल्यू आर ओ टी ई स्पेलिंग देखिए, फिर रिटर्न डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन. ठीक है, तो ये आपने शब्दों पे देखा और आप भी जब पढ़ेंगे ऑनलाइन तब आप इनको बोलते चलेंगे मेरे साथ, तो आपको जल्दी से प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, चलिए होमवर्क है आज का आपका, रीड द वर्ड. सबसे पहला शब्द आता है रीड, रीड़ा का अर्थ होता है पढ़ना, वर्ड मतलब आपको शब्दों को पढ़ना है जो आपने अभी ऑनलाइन क्लास में पढ़ा. टू सी केयरफुली स्पेलिंग, स्पेलिंग्स पे जरूर ध्यान देना है आपको. राइट दिस मैटर, आपको लिखना है इन योर नोटबुक, आपने अपनी कॉपी बनाई होगी उसमें आपको लिखना भी है. रीड एंड लर्न वर्ब, क्रियाओं के बारे में आपको पढ़ना है और याद भी करना है ना, कि प्रेजेंट पास्ट एंड पार्टिसिपल तीनों फॉर्म याद करनी है. एंड प्रैक्टिस